मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी वर्ण पार्ट चार संज्ञा के अभ्यास कार्य करेंगे, पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 की। पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा पार्ट समझा दिया था और उसके साथ साथ मैंने प्रश्न उत्तर आपको कराए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाए थे, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आज हम पेज नंबर 23 का एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2, सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले संज्ञा के चार भेद होते हैं। गलत, जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। गलत, कलश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। सही, अंगूर खट्टे मीठे होते हैं वाक्य में खट्टे मीठे भाववाचक संज्ञा है। सही। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, दिए गए सही शब्दों संज्ञा शब्द द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। आपको ऑप्शन दे रखा है तो उसमें से आपको सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। डैश हमारी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। डैश हमारी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। हिंदी, मराठी, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। दूसरा देखें, कठिन शरीर परिश्रम से डैश अवश्य मिलती है। कठिन परिश्रम से डैश अवश्य मिलती है, सफलता या असफलता? तो इसका उत्तर क्या आएगा? सफलता। कठिन परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है। कठिन परिश्रम मतलब कठिन मेहनत करने से, जो भी कठिन मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। भारत की राजधानी डैश है लखनऊ, दिल्ली। तो हमारी राजधानी क्या है? भारत देश की, भारत की राजधानी दिल्ली है। हमेशा सच बोले डैश ना बोले झूठ बेकार। हमेशा सच बोले झूठ ना बोले, तो इसका उत्तर क्या आएगा? झूठ, झूठ शब्द इसमें आएगा। डैश को बापू भी कहा जाता है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इसमें इसका उत्तर क्या है? डैश को बापू भी कहा जाता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए। कुछ वाक्य दे रखा है, उसमें से हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। तो आगे छांटेंगे किताब के। रितिका अच्छी लड़की है। रितिका अच्छी लड़की है, तो इसमें क्या है, नाम है, किसका नाम आ रहा है? रितिका। रितिका अच्छी लड़की है। रितिका शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्योंकि एक नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम। रितिका अच्छी लड़की है और इसमें लड़की शब्द भी संज्ञा है और लड़की शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, इधर जो है गुस्सा है संज्ञा शब्द और गुस्सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। राधिका कल जयपुर गई। इधर जो है राधिका और जयपुर दोनों ही संज्ञा शब्द है और दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राधिका भी एक विशेष लड़की का नाम है और जयपुर एक विशेष जगह का नाम है, इसीलिए दोनों संज्ञा शब्द है, राधिका जयपुर, और दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनानास एक फल है। अनानास, तो इधर एक फल का नाम आ रहा है, क्या है? अनानास। अनानास एक फल है, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया और फल शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा, अनानास भी संज्ञा शब्द है। गंगा एक पवित्र नदी है।
गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा जो है वो संज्ञा शब्द है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा पे आता है, जैसे ऊपर फल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। वह बहुत प्यारा है, वह बहुत प्यारा, इधर जो संज्ञा शब्द है वो प्यारा है, वह बहुत प्यारा है, प्यारा संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा शब्द है? ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में से हमें नीचे लिखे वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द छांटना है, सिर्फ हमें इधर भाववाचक संज्ञा शब्द छांटना है। तो पहले देखेंगे, यह गर्मी का मौसम है, यह गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पर भाववाचक शब्द जो है वो गर्मी है, गर्मी का मौसम है। उसके बाद हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध, क्रोध शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो क्रोध शब्द को आगे लिखिए। मेरी सहेली आज दुखी है, मेरी सहेली आज दुखी है, दुखी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हमेशा सबसे प्यार करो, हमेशा सबसे प्यार करो, प्यार शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। वह मेरे बचपन का दोस्त है, वह मेरे बचपन का दोस्त है, तो इस वाक्य में बचपन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, गर्मी, क्रोध, दुखी, प्यार, बचपन, ये सारे जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अब हम नीचे आएंगे एक्सरसाइज नंबर 6, जातिवाचक संज्ञाओं के नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के शब्द लिखे। ऊपर जो है जैसे कि फल, पशु, खिलाड़ी, पेड़, ये जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हमें इनकी क्या लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे फल में पहले संतरा, संतरा जो है वो पहले से उदाहरण दे रखा है, तो संतरे के नीचे मैंने लिखा है आम, केला, आप, सेब, कोई भी फल का नाम आप लिख सकते हैं, तो मैंने आम और केला लिखा, आप सेब, लीची, अंगूर, अमरूद, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद पशु, पशु के नीचे हिरण लिखा है, पशु मतलब जानवर, हिरण लिखा है, तो उसके साथ साथ मैंने नीचे क्या लिखा है? शेर, हाथी, लोमड़ी, गीदड़, चीता, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। खिलाड़ी, खिलाड़ी के नीचे लिखा है सचिन तेंदुलकर, तो उसके साथ मैंने लिखा है कपिल देव, विराट कोहली, MS धोनी भी आप लिख सकते हैं, तो आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। पेड़, पेड़ के नीचे उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है नीम, तो मैंने लिखा है पीपल, बरगद, जामुन, तो जो भी पेड़ है वो किसी भी पेड़ का नाम आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि फल, पक्षु, खिलाड़ी, पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और इसके नीचे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देना है, क्योंकि ये विशेष फल का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष पक्षु का नाम, विशेष खिलाड़ियों का नाम और विशेष पेड़ का नाम है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। तो बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर ही समाप्त हो चुका है, और जितना भी मैंने आप इस पाठ को आप कराया है, समझाया है, प्रश्न उत्तर है, खालिस्तान है, सही और गलत है, संज्ञा शब्द छाटो, और भाववाचक शब्द छाटो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर में स्पष्ट करा चुकी हूँ परिभाषाओं के द्वारा और प्रश्न उत्तर के द्वारा। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, एक दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों, पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।